फ्रेंड्स, एक लड़का एक गांव में फंस जाता है जहां पर एक ऐसी परंपरा चली आ रही थी जिसके मुताबिक उसे उस गांव की किसी भी लेडी को अपनी दासी बनाना होगा। उसे उसके साथ वो सब करना होगा जो वो चाहता है या फिर वो अपनी पत्नी के साथ करता है ताकि वो उसके साथ रहकर उसके गांव के बारे में जान सके। सो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत 1000 साल पहले रंडीरोना नाम के एक गाँव को दिखाते हुए शुरू होती है जहाँ पर हम बहुत सारे भूखे नंगे लोगों को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक बोट आकर रुकती है जिसके अंदर एक पोगा नाम का व्यक्ति था। पोगा को उस गाँव में नई नौकरी मिली थी लेकिन उसे वहाँ की भाषा घंटा समझ में नहीं आती। तभी वहाँ चंपक चोमू नाम का एक जंगली आदमी आकर उससे इंग्लिश में बात करता है और उसका उस गांव में स्वागत करके नाव में बैठाकर गवर्नर बासमारी के पास उसे लेकर जाने लगता है जहाँ पर पोगा रास्ते में नहाती हुई हसीनाओं के दर्शन करता है। आगे हम देखते हैं कि गवर्नर बासमारी पोगा को उसकी आलिशान झोपड़ी को दिखाने के लिए बैलों की मर्सिडीज में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ रास्ते में वो उससे पूछता है कि वो किस वजह से यहाँ काम करने आया है। पोगा कहता है कि उसके पिता भी यहाँ पर काम करते करते मारे गए थे और उनका सपना था कि वो यहाँ पर एक स्कूल बनवाएंगे। उनके मरने के बाद पोगा अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था। इसी बीच बात करते करते पोगा अपने आलिशान झोपड़ी तक पहुंच जाता है। वो गवर्नर बासमारी से पूछता है कि उसे यहाँ क्या काम करना होगा, जिसमें गवर्नर बासमारी उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से फूट लेते हैं। आगे पोगा को गाँव की राज्यसभा में पेश करके सभी गाँव वाले उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। गाँव वाले उसे सुबह से शाम तक देसी दारू पिलाते हैं। दारू का लेवल पोगा के गले तक पहुंच चुका था लेकिन फिर भी पोगा दारू के ऊपर दारू चढ़ाया जा रहा था। इसी बीच पोगा जैस्मिन नाम की एक खूबसूरत हसीना को देखकर प्रभावित होता है। शाम को पोगा के लिए गांव में एक प्रोग्राम होता है जहां गांव के सभी लोग, यहां तक कि वो सुंदरी भी अपना जलवा दिखाती है। उसकी खूबसूरती और उसका लचीलापन देख पोगा मोहित हो चुका था। तभी गांव वाले पोगा को उनके सामने नाच दिखाने के लिए कहते हैं। पोगा ने अपनी जिंदगी में कभी नाचा नहीं था, ना ही कभी उसने डिस्को डांडिया खेला था, इसलिए वो वहां पर पप्पू की तरह भाषण देने लगता है जो कि चंपक चुमू को छोड़कर किसी को समझ में नहीं आता। तभी पोगा अपनी आखिरी कोशिश चंपक चुमू को पकड़कर ठुमका लगाना शुरू कर देता है। वो उसे इधर नचाता है उधर नचाता है, घुमा घुमा के नाच दिखाता है जो देखकर सभी गांव वाले मजा लूटते हैं। अगले दिन पोगा जब गवर्नर बासमारी के साथ बात कर रहा था तभी वहां पर वही खूबसूरत लड़की जैस्मिन अपने दादा के साथ पहुंचती है। गवर्नर बासमारी यहां पर पोगा को जैस्मिन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं, देखो पोगे, आज से जैस्मिन तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये सुनके पोगा को समझ नहीं आता। तभी बासमारी उसे बताता है कि उसे यहां पर 3 सालों तक रहना होगा, इसीलिए वो अकेला नहीं रह सकता और आज से उसकी जो भी जरूरत है उसे जैस्मिन पूरा करेगी। यानी आम भाषा में जैस्मिन उसकी दासी बनकर रहेगी क्योंकि इस गांव में एक प्रथा चली आ रही है जिसके मुताबिक यहाँ की हसीनाओं को यहाँ पर काम करने आए किसी भी मर्द की दासी बनकर रहना पड़ता है, जिसे यहाँ पर स्लीपिंग डिक्शनरी कहते हैं। जैस्मिन उसे यहाँ पर बताती है कि वो उसके साथ सो भी सकता है। उसकी माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी। पोगा इस परंपरा से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे कोई दासी भी नहीं चाहिए थी। पोगा के इस बर्ताव को देखकर केयर टेकर को लगता है कि वो शायद एक नामर्द है, इसीलिए वो अगले ही दिन पोगा के लिए एक छक्के का जुगाड़ करता है। पोगा उस केयर टेकर के साथ साथ जैस्मिन को भी गालियां देकर वहां से भगा देता है। अगली सुबह पोगा को उस केयर टेकर से पता चलता है कि जैस्मिन पूरी रात उसके घर के नीचे ही पड़ी हुई थी क्योंकि प्रथा के अनुसार जैस्मिन अगर गांव वालों के पास वापस गई तो गांव वाले उसे अशुद्ध समझकर उसे गांव से निकाल देंगे। ये सब सुनने के बाद पोगा उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक पोगा इधर गांव वालों के साथ और उधर जैस्मिन के साथ रहकर उन दोनों के साथ काफी घुल मिल जाता है। वो जैस्मिन के साथ एक छत के नीचे तो रहता था और उसे छूता तक नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर आखिरकार एक दिन वो जैस्मिन को रगड़ देता है। फिर अचानक एक दिन कुछ लोग उस गांव में रिसर्च करने आते हैं जिसमें गवर्नर बासमारी की बेटी किरण भी मौजूद थी। उसी दिन वो सभी लोग एक साथ बैठकर उन सभी गांव वालों के बारे में अच्छी बुरी बातें करते हैं जहां पर चूसली नाम का एक ऑफिसर उन गांव वालों को जंगली और गवार कहता है। यहां पर गवर्नर बासमारी की बेटी किरण पोगा की बात से काफी प्रभावित थी और वो उसे अपना दिल दे बैठी थी, इसीलिए अगले ही दिन वो उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है। उधर जैस्मिन किरण को पोगा के साथ देखकर जल भून रही थी। एक दिन दो आदिवासी समुदाय के लोग उनके गांव में बहकर आ पहुंचते हैं। वे उन्हीं के पड़ोसी गांव के लोग थे। उनकी बॉडी को देखकर पोगा को पता चलता है कि जरूर पास वाले गांव में कोई महामारी फैली हुई है जिस वजह से वहां के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। वो उस महामारी को जानने और उसे जड़ से खत्म करने के लिए गांव में जाने का फैसला करता है। उसे इस काम को करने में जैस्मिन की मदद चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी झोपड़ी में जाकर पहले तो जैस्मिन से माफी मांगता है और फिर उसे पड़ोसी गांव में चलने के बारे में पूछता है, जिसमें जैस्मिन उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और उसे माफ कर देती है। अगले दिन वो जैस्मिन और गांव के कुछ झंडुओं को लेकर पास के गांव में पहुंच जाता है जहां पर महामारी की वजह से तो नहीं पर कुछ यूरोपियन लोगों की वजह से वहां के आदिवासी मर रहे थे। वो यूरोपियन लोग वहां पर माइनिंग करके सोना चांदी निकालने के लिए वहां के आदिवासी लोगों को जानबूझकर बीमार करके मार रहे थे ताकि वो उनके रास्ते में एड़ा बनकर पेड़ा न खा सके। पोगा को इस बारे में पता चलने पर वो उन आदिवासियों को इकट्ठा करता है और उन यूरोपियंस पर हमला कर देता है और उनकी कहानी समाप्त कर देता है, जिसके बाद जैस्मिन के साथ रहते हुए उसके कई महीने बीत चुके थे और वो जैस्मिन के प्यार में पड़ चुका था और उससे शादी करना चाहता था। जैस्मिन जानती थी कि ये नामुमकिन है लेकिन पोगा उसे अपने साथ सात समंदर पार ले जाना चाहता था। गवर्नर बासमारी और गांव वालों को जब जैस्मिन और पोगा के इरादे के बारे में पता
पता चलता है। तब गवर्नर बासमारी पोगा के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। वो उसे ये कहते हुए धमकाते हैं कि अगर उसने जैस्मिन के साथ शादी की तो उसे जेल में डलवा देंगे। उधर गांव वाले भी जैस्मिन को चंपक चुमू के साथ शादी करने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन जैस्मिन उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। इधर गवर्नर बासमारी अपनी बेटी किरण के साथ पोगा की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए वो पोगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और जैस्मिन को भी पिंजरे में डलवा देते हैं, जिस वजह से मजबूरी में पोगा को किरण के साथ शादी करनी पड़ती है। इसके बाद पोगा कुछ सालों तक लंदन में किरण के साथ ही रहता है, जहाँ पर वो हर रोज देवदास की तरह जैस्मिन को याद करता था। एक दिन वो अपने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी किरण के साथ फिर से उसी रंडीरोना गांव में वापस आता है। रात को उसके स्वागत में गांव के आदिवासी लोग पर्दा लगाकर हिंदी मूवी चलाते हैं। पोगा की नजर वहां पर सिर्फ जैस्मिन को ही ढूंढ रही थी। किरण ये देख समझ जाती है कि पोगा उससे नहीं बल्कि जैस्मिन से प्यार करता है, तभी वो इसके बारे में पोगा से बात करती है। अगले दिन पोगा चिमकांडी नाम के एक ऑफिसर से मिलता है, जो कि अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारता पीटता था। उस लड़की को इस हालत में देखकर पोगा चिमकांडी को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उस लड़की से कहता है कि अगर चिमकांडी ने फिर से तुम्हें मारा तो तुम भी चिमकांडी को मार देना। उस दिन पोगा नदी के पास जैस्मिन को चंपक चुमू और एक बच्चे के साथ देख लेता है। उसे लग रहा था कि वो बच्चा चंपक चुमू का है, तभी उसका केयरटेकर उसे बताता है कि वो बच्चा चंपक चुमू का नहीं बल्कि पोगा का ही है। जैस्मिन ने गांव वालों के खातिर चंपक चुमू से शादी तो की, लेकिन वो उसके साथ रहती नहीं थी। उसी रात पोगा जैस्मिन के पास जाकर उससे माफी मांगता है और अगले दिन नदी किनारे जैस्मिन के साथ बात करता है। वहीं दूसरी ओर हम नदी के किनारे चिमकांडी को देखते हैं, जो कि जैस्मिन को पोगा के साथ देखकर ये बात चंपक चुमू को बता देता है, जिस वजह से रात को चंपक चुमू पोगा को मारने के लिए उसकी झोपड़ी में पहुंच जाता है, लेकिन वो उसका गेम बजाने से पहले ही पकड़ा जाता है। इसके अगले दिन चंपक चुमू को मौत की सजा सुनाकर उसे काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर बासमारी पोगा से कहते हैं कि जैस्मिन की माँ उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, यानी जैस्मिन और किसी की नहीं बल्कि गवर्नर बासमारी की ही बेटी है, लेकिन गवर्नर बासमारी उसे अपनी नाजायज औलाद समझकर उसे अपनाना नहीं चाहते थे। अब रात में जैस्मिन चंपक चुमू को जेल से आजाद करने के लिए किसी तरह जेल में पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे आजाद करती, पोगा ने पहले ही चंपक चुमू को आजाद कर दिया था। जैस्मिन ये सब देख पोगा के पास जाती है। पोगा उसे बताता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है, जिसे सुन जैस्मिन भी उसे अपने दिल की बात बताती है और अगले ही दिन वो दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। अगली रात जैस्मिन किसी तरह से बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन पोगा को आने में बहुत देर हो रही थी, इसीलिए जैस्मिन अकेले ही बोट में बैठकर वहां से निकल लेती है। जैस्मिन के जाने के कुछ ही देर बाद वहां पोगा भी आ पहुंचता है, लेकिन तब तक बोट जा चुकी थी। इसकी अगली सुबह पोगा किसी तरह से जैस्मिन को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह जैस्मिन के साथ वहां से भागने का प्लान बना रहा था, तभी वहां पर दुष्ट चिमकांडी आ पहुंचता है और उन दोनों को अपने निशाने पर ले लेता है। वो धीरे धीरे जैस्मिन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और पोगा भी उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गांव वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं, जो उस दुष्ट चिमकांडी को ऐसा करते हुए देखकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद कहानी के अंत में हम पोगा और जैस्मिन को एक साथ उन गांव वालों के बीच में देखते हैं, जहां पर वो दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और इसी के साथ ही इस शानदार मूवी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।